हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 के अंदर रासायनिक पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है उसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, वो है यौगिक कंपाउंड किसे कहते हैं। देखो, आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो रसायन विज्ञान का सबसे जो बेस पॉइंट होता है वो बेस पॉइंट यही है, परमाणु अणु यौगिक पदार्थ, ये जो नाम आते हैं ये सब चीजें इसका सबसे मेन पॉइंट बताया जाता है। तो जो यौगिक है, यौगिक किसे कहेंगे? देखो, इससे पहले हमने बात की थी तत्व की। तत्व भी शुद्ध पदार्थ का रूप है और यौगिक भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ का ही रूप बताया गया है ना। तो यौगिक की परिभाषा आपके सामने है कि जब हम भिन्न भिन्न तत्वों को, देखो क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होगा, उन परमाणुओं के बीच में अलग अलग रासायनिक बंध बनते हैं और रासायनिक बंध बनने के बाद ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ के और एक यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, वापस समझिएगा कि भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु को निश्चित अनुपात में जब रासायनिक बंध के द्वारा संयोजित किया जाए तब उसके अंदर एक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट और आपको बता देता हूं कि यहां पर दिया गया है भिन्न भिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के, ठीक है। और जब ये एक यौगिक बनता है, एक यौगिक का निर्माण होगा, तो उस यौगिक के निर्माण के अंदर जब हमने पहले जो तत्व लिया है उस तत्व के गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इसमें ये बता सकते हैं कि यौगिक के गुण तत्वों से भिन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, चलो आपको एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं, ठीक है। देखिए, आपने नाइन्थ के अंदर, टेंथ के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है ना। तो हाइड्रोजन, एक अपन उदाहरण लेते हैं H2O का, ये जैसे एग्जाम्पल है इसका यौगिक का H2O। अब H2O एक, हम जो ये बना है, ये H2O एक निश्चित अनुपात के अंदर बना है और अनुपात भी इसमें क्या दिया है, भारात्मक अनुपात के रूप में दर्शाया गया है। हाइड्रोजन का जो भार होता है वो एक होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का भार एक है लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु इसके अंदर दो है, H2 लिखा हुआ है इसलिए दो परमाणु, तो हम इसके दो परमाणु लेते हैं तो दो परमाणु के हिसाब से भार हो गया दो, अनुपात। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आठ, तो आठ है तो इसका जब भार होगा तो वो हो जाएगा कितना, 16, डबल माना जाता है, ठीक है, तो दो अनुपात 16। अब आप इसको सरल करोगे, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है। अब आप इसको जब सरल करोगे तो सरल में ये कटेगा तो कटते ये क्या आ जाएगा, 1:8 के रूप में। ये एक नॉर्मली आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज की कि यहां मैंने कहा कि यौगिक जो होता है, यौगिक के गुण तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप, हाइड्रोजन ये क्या है, जल, पानी है ना, हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। जल इन दो भागों से मिलकर बना है, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का गुण होता है ये जलाने में सहायक, ऑक्सीजन का गुण होता है जलने में सहायक। आपको पता है ना, ऑक्सीजन अगर कहीं आग लगी हुई हो तो, आग लगती है तो अगर मान लो वायु नहीं है बाहर, हवा बिल्कुल नहीं है, तो आग तेज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हवा चलना शुरू होती है तो हवा चलते ही, हवा के अंदर क्या है, वायु, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन जैसे जैसे उसे मिलेगी तो ये जलने में सहायक है, बहुत तेज गति से क्या होती है, जलती है ना। लेकिन हम
जब इन दोनों को मिलाते हैं और मिलाकर एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम क्या है, H2O, क्या कहते हैं जिसे, जल। और जल का काम क्या है, आग को बुझाना। आग को क्या करना, बुझाना होता है ना, कि हाइड्रोजन जलाती है, विस्फोट करती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है किसी भी चीज में, मतलब एक आग लगाना और एक आग लगने में। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या बनता है, जल बनता है। और जल हमेशा आग को क्या करता है, बुझाने में सहायक होता है। तो गुण हो गए ना चेंज इसके, ठीक है, गुण चेंज हो गए। गुण चेंज होने का मतलब क्या हुआ, गुण चेंज का मतलब यही हुआ कि जब हम परमाणु ये तत्व लेते हैं तो तत्व से जब यौगिक बनेगा तो यौगिकों के अंदर गुण क्या हो जाते हैं, तत्व से भिन्न हो जाते हैं। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है कि एक यौगिक जो होता है ना, ये इस तरह से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण ये हम ले सकते हैं। और उदाहरण अगर लेना चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो। अब इसमें क्या होता है, कार्बन एक है और कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दो ऑक्सीजन से मिलकर जुड़ा हुआ होता है। वैसे इन दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। वो तो चलो अपन इसकी बाद में बात करेंगे। कार्बन है, अब कार्बन आप देख रहे हो, कार्बन एक है हमारे पास, ऑक्सीजन इसमें कितने, दो है। तो कार्बन का भार अगर आप लोगे तो कार्बन का कितना होता है, 12 अनुपात, ऑक्सीजन के एक का 16 है ना, तो दो का कितना हो गया, 32 हो गया। तो 12 अनुपात 32, अब इन दोनों को सरल करोगे तो सरल अनुपात आप देख लो कितना आएगा इसके अंदर, 3:8, 4 का भाग दे दो दोनों के अंदर, 3:8 के रूप में इसे दर्शाए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये भी एक तरह से किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण, ठीक है। तो ये यौगिक की एक सामान्य चीज हम कहते हैं कि यौगिक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपको पूछा जाएगा कि यौगिक तत्व, परमाणु और अणु, इन सब के अंदर अंतर बताइए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए, अब हम लेते हैं इस यौगिक के प्रकार। बहुत ही विस्तृत इसका वर्णन है लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से ले लेंगे कि एक यौगिक जो होता है, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, यौगिक के प्रकार देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। पहला भाग। दूसरा भाग आता है जिसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और तीसरा भाग होता है जिसे कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। देखो आप, 1, 2 और 3, समझ गए। जैसे हमने तत्व के अंदर पढ़ा था, तत्व को धातु, अधातु और उपधातु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही यौगिक जो होते हैं इनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा कि इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटेलिक मतलब धात्विक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। अब क्या होते हैं, आप इनकी परिभाषा समझ सकते हो। ये है अकार्बनिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन
की उपस्थिति अनिवार्य न हो, कोई आवश्यकता न हो, इसे कहते हैं हम इनऑर्गेनिक। पूरी आवर्त सारणी के अंदर एक कार्बन को छोड़ दो आप, कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, और 118 तत्वों में से एक कार्बन को छोड़ दो आप, पीछे कितने रहे? 117 तत्व। तो ये 117 तत्वों में जब ये आपस में जुड़ते हैं धनायन ऋणायन, तो जो यौगिक का निर्माण करेंगे अलग अलग अनुपात में, जैसे हमने अभी इसकी परिभाषा पढ़ी थी यौगिक की, तो उसके अनुसार जितने भी यौगिक हैं वो सारे किसमें आएंगे? अकार्बनिक यौगिक के अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। नॉर्मल है NaCl, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, अपनी भाषा में नमक, जो आप नमक खाते हो वो NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और भी ले लो लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जरूरी नहीं है, यहां मैंने सब कैल्शियम और इसके लिथियम मैग्नीशियम बताया, आप कुछ भी ले सकते हो, KNO3, KMnO4, K2Cr2O7, अब देखो ये बड़े नाम आ गए, इन किसी के अंदर भी कार्बन उपस्थित नहीं है, तो ये सारे कौन से यौगिक कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा कहते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके अंदर आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर हम लेते हैं ऑर्गेनिक का पॉइंट, अब ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, है ना, इसलिए नाम दे दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य, कार्बन की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है, कार्बन होना जरूरी है, जैसे मेथेन, एथेन, पढ़ा है ये दसवीं के अंदर, ये सूत्र पढ़े होंगे, ये है बेंजीन, है ना, एक ये आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, ये सब आपने टेंथ के अंदर पढ़ा होगा। एथेनॉल C2H5OH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये ऐसे इस तरह के अगर आपको उदाहरण दिए जाएं, देखो ये जिसमें सभी के अंदर कार्बन उपस्थित है मुख्य रूप से, तो ये ऑर्गेनिक कहलाएगा। इसमें आप देख रहे हो, आपके दिमाग में ये आ जाएगा सर इधर के सी लिखा हुआ है, तो ये वैसे क्या है? क्रोमियम धातु का दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दो तो ये हो गए, तीसरा आता है लास्ट, ये आपने कभी नाम नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब यानी कार्बन, कार्बन और धातुओं से मिलकर बने यौगिक, ये कार्ब धात्विक कहलाते हैं। जैसे देखो आप, जैसे इसका उदाहरण है C2H5Li, अब ये नाम ध्यान रखना है, इसको एल्किल लिथियम, ये है एथिल लिथियम के नाम से जाना जाता है यौगिक है, ठीक है। एक आएगा, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ट्वेल्थ के अंदर, RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कहते हैं गिरन्यार अभिकर्मक, क्या नाम है? गिरन्यार अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस टाइप के जो यौगिक आएंगे जिसमें कार्बन भी हो और धातु भी उपस्थित है, इनको क्या नाम दिया गया है? कार्ब धात्विक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। तो एक यौगिक जो होता है उस यौगिक को हम यहाँ पर कितने भागों में बांटते हैं? इन तीन भागों के अंदर बांटते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर दीजिएगा, ओके। तो आज अपना ये मुख्य टॉपिक था यौगिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे मिश्रण,
जो होता है मिश्रण, मिश्रण कितने प्रकार के हैं, दो, समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।